पता नहीं हमारा क्या था, पहले 10 ओवरों में हमने पता नहीं कितने 55 रन किए हैं, अगले 10 ओवरों में उससे कम किए हैं, आखिरी हमारी 5 विकेट 45 रन पे चली गई। यार 4 साल वर्ल्ड कप का वेट करते हैं, मैं नहीं वेट करता, ये वाम वेट करती है, ओवरसीज पाकिस्तानी वेट करते हैं, मुल्क का बच्चा बच्चा वेट करता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, 4 वाला 8 में हो जाता है, जो दुनिया में नहीं आया होता वो 2-3 का हो जाता है, लेकिन ये वर्ल्ड कप में हमारी टीम हमारे साथ ये कर देती है। अब हमारा इतना हक नहीं बनता कि हम अपनी एजिटेशन, अपना गुस्सा, अपने इमोशंस डिस्क्राइब कर सके। क्या अगर इंसान अपने सलमान कितने अरसे से बात कर रहे हैं, अहमद ने बात की, इसको खिला लो उसको खिला लो, आप मुझे बताओ, वसीम जूनियर टीम के प्लेयर है ना, आज उसने बॉलिंग सही की, और बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, रिवर्स स्विंग हो रहा था यहाँ, रिवर्स स्विंग देखो, मैं ग्रेट प्लेयर वसीम अकरम का जिक्र क्यों करता हूँ बार बार, उसको रिवर्स स्विंग करने आती थी, वकार को रिवर्स स्विंग करने आती थी, शोएब अख्तर को रिवर्स स्विंग करनी थी, जब टेल आ जाती ये बॉल छीन के आउट कर देते थे, और आज पिच पे रिवर्स स्विंग करा ही नहीं, क्योंकि सलमान अहमद भाई ये मैच की बातें की मेरी आंखें फिर भर आई, और आपने कहा ना उन्हें गलती की इफ्तिखार भाई को ऊपर भेज के, इफ्तिखार भाई को उन्होंने उधर से ऊपर भेजा, और इस मैच के हालात के बाद मुझे लगता है मैं ही कहीं ऊपर ना चला जाऊं। अल्लाह ना करे, इस मौके पे हमें एक मोटिवेशन लीडर चाहिए जो हमें मोटिवेट करे, कोई हमें बताए अब हम किस तरह इस सिचुएशन से डील करें, कि क्या वाकई कुछ ऐसा टोटका है कि टीम फिर से इफ्स एंड बट्स पे 100 पे आगे चले जाए। मुश्ताक भाई क्या कह सकते हैं आप, अस्सलाम वालेकुम, आप ही कहें जो कहना है, बताएं क्या क्या। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, नहीं खेल सके हैं, तो आई थिंक ये टॉप ऑर्डर का इशू तो काफी अरसे से चल रहा है, एशिया कप से चल रहा है, और हम बार बार हर मैच में यही बात करते थे कि यार आउट तो चले, अब वैसे ही बंदा हो जाता है, आज भी आउट हुए लेकिन वो इंटेंट हमें नजर नहीं आया। अब वो दूसरी तरफ हम देखते हैं साउथ अफ्रीका को, उनकी विकेटें भी गिरी लेकिन उन्होंने फिर भी अपना इंटेंट पॉजिटिव ही रखा है, और पावर प्ले में या पहले 14 ओवर में 100 रन उन्होंने अपने बना लिए थे, तो आई थिंक आज के जो डिसीजन से मैं लास्ट ओवर में वो इफ्तिखार बॉलिंग करने से जाके इफ्तिखार ज्यादा अच्छी बॉलिंग करता है, उसने हाथ हटा लिए, उसने कहा नमाज को गेंद दे, तो जब खिलाड़ी माइंड सेट से हो वो अपने आप को बॉलिंग करने से बच रहा हो, जबकि इफ्तिखार ज्यादा अच्छी बॉलिंग कर रहा था, फिर आपकी कप्तानी उस तरह की नहीं है जिस तरह की होना चाहिए थी, फिर बीमार हो जाते हैं। एक पहले 14 ओवर में 100 रन उन्होंने अपने बना लिए थे, तो आई थिंक आज के जो डिसीजन से देखिए आप चेंजेस करते हैं टाइम सिचुएशन के हिसाब से, वैसे नॉर्मली मैं इसको एक अच्छा डिसीजन कहता कि किसी और मैच के अंदर इफ्तिखार को प्रमोट किया जाता, ठीक है जी, क्योंकि वो लंबी इनिंग्स खेल सकता है, लेकिन जब दोस्तों केशव महाराज, देखिए दोस्तों केशव महाराज एक हिंदू प्लेयर है, और केशव महाराज ने जिस प्रकार से कल का मैच जिताया था वो एक अविश्वसनीय था, इनका धैर्य, इनकी विचार, इनके सब कुछ कल के मैच में मेल खाता था। दोस्तों कल एक समय पर ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच जीत लेगा, लेकिन केशव महाराज ने क्या शानदार जीत दर्ज कराई, उन्होंने मात्र एक चौका लगाया और वह चौका इतना बड़ा बन गया कि मार्क रम के जो 91 है वो भी फीके पड़ गए उसके आगे। दोस्तों सारी बात क्या है कि मैच जिताया था केशव महाराज ने चौका मारा, इसके बाद उन्होंने अपने कुछ जय श्री राम के नारे और कुछ उन्होंने दिखाया कि मैं, और जय हनुमान के नारे उन्होंने लगाए, और जिसको देखकर दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की पब्लिक हक्का बक्का रह गए, उन्होंने कहा कि ये भी हिंदू निकला, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के लोग जो हैं वो हिंदू साहब जानते ही होंगे कि क्या चलता रहता है इन्होंने। तो दोस्तों यही सब कुछ था जिसके ऊपर जो अब केशव महाराज जो वायरल हो रहे हैं। अब दूसरी दोस्तों सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, पाकिस्तानी मीडिया तो हमेशा कमी निकालता, वो बोलते हैं रिजवान के ऊपर गया था, अब इनके ऊपर भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो दोस्तों अभी देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या रहा, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। रिकॉर्ड कायम किया इंडिया के साथ वो 8-0 पे, फिर एक हमने रिकॉर्ड तोड़वाया अफगानिस्तान का जो उनका रिकॉर्ड हमारे साथ चल रहा था, फिर एक हमने और रिकॉर्ड आज तोड़ा, नहीं ऑस्ट्रेलिया से पहली दफा, नहीं साउथ अफ्रीका से हम पहली दफा हारे किसी वर्ल्ड कप में, एक और रिकॉर्ड तोड़ा। अब मैं ठीक कहता था ना कि भाई मारो मुझे, मतलब मैं आज जा रहा था, मैंने यूसुफ भाई कहा था ये शो आज मुझसे हो सुना है, मोमिन भाई हिम्मत करें, कुछ नहीं होता, गेम में ही होता रहता है, इतना जज्बाती होने की क्या जरूरत है। यूसुफ भाई इंडिया में वर्ल्ड कप कोई बात नहीं, आप लड़के अपने ही हैं, यही इंशाल्लाह आगे भी इन्होंने खेले, हम भी पाकिस्तानी हैं यूसुफ भाई, तो मैं भी पाकिस्तानी इसीलिए समझा रहा हूँ आपको, कोई बात नहीं हो जाता है। नहीं यूसुफ भाई अब क्या अगले वर्ल्ड कप पे उम्मीद लगाए, बात देखेंगे बाद में, अभी तो आप होस्ट करें, हिम्मत करें, कोई बात नहीं, गेम में हो जाता है,
ठीक है बुरा खेले लेकिन आज तो मैच अच्छा खेले। चले फिर होस्ट बनने की एक्टिंग कर लेता हूँ अभी मैं, क्योंकि जो मेरे रियल इमोशन है यूसुफ भाई ये कर सकते होस्ट मेरा पता नहीं कर लो नहीं मतलब क्या यही बरकरार रखा जाए क्या लोग एक्सपेक्ट करें। खैर शो आगे लेकर चलते कोई बात नहीं हिम्मत करें शो आगे लेकर चलते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट मेहमान मौजूद हैं जो कि तबसरा करेंगे कि आज का मैच हम क्यों हारे और कि क्या चांस है कि कुछ ऐसी दवाई है कि वर्ल्ड कप अब किसी तरह वापस आ जाए, कोई अल्लाह दीन का चिराग है क्या है नहीं है। उम्मीद की बात पिछले शो पे बड़ी हुई कि जी होप इज़ एवरीथिंग, इंसान पानी के बगैर जिंदा रह सकता है, खाने के बगैर जिंदा रह सकता है, लेकिन उम्मीद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अब किस चीज़ की उम्मीद रखें, अब भी अगर कोई उम्मीद है जानेंगे आज के हमारे गेस्ट से। हमारे साथ हमारे लेजेंड जिन्होंने अभी मुझे जफ्फी डाली और मूड मेरा थोड़ा शुगर लेवल ब्लड प्रेशर लेवल सेट हो गया है। थैंक यू सो मच यूसुफ भाई, आपके अंदर से एक पॉजिटिविटी की रेज निकलती हैं। आप हमारे साथ मौजूद हैं, हाफिज़ साहब मौजूद हैं, हाफिज़ साहब थैंक यू सो मच, थैंक यू आप आए। सवेरा जी क्या कहूँ, शायद आप इंडिया जाती तो ये सब कुछ ना होता, कोई पता नहीं हुन कल वीज़ा आ जाए, हुन वीज़ा दे दें तो वापस लेकर आएंगे अपनी फिर लेकर आएंगे अपनी टीम को, मैं वापस जाऊंगा मुंडे मेरे वापस दबो। इब्राहिम साहब पाकिस्तानी टीम के वो जब बॉलिंग करेगा और स्पाइक की बॉलिंग करेगा तो आपको ये तमाम चीजें फेस करनी पड़ेंगी और ये फेस करना जो है आपकी टीम एफोर्ड नहीं कर सकती, फिर आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत मुश्किल है आगे, बहुत ज्यादा मुश्किलात है आगे, फिर आपको अगले मैच में इमाम को बिठाना पड़ेगा, फिर इसको खिलाना पड़ेगा फकर को। बिल्कुल अच्छा अहमद भाई आप बताइए हमारे चांसेस हैं सेमीफाइनल में पहुंचने के? अच्छा सलमान मैं सुन रहा था आपकी बात, आप कह रहे थे कि 300 350 बनाना पड़ेगा और मॉडर्न क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। 300 350 से पहले मेरे ख्याल में हमें ये समझने की जरूरत है कि हमें 50 ओवर पूरे खेलने पड़ेंगे, ठीक है। 300 350 156 बॉल्स डॉट करके नहीं बनते, 300 350 चार ओवर पहले ऑल आउट होके नहीं बनते, उसके लिए आपको दिलो दिमाग से बन भी जाते हैं अगर आपके पास मैक्सवेल जैसा प्लेयर मौजूद है जो 40 रन पे सेंचुरी बना के चला जाए, चले वो भी, लेकिन फिर हमारे पास वो भी प्लेयर नहीं है ना। मैक्सवेल जब खेलने आया, हमारे पास तो मैक्सवेल खेलने आया तो मैक्सवेल इस माइंडसेट के साथ आया कि मैं अटैकिंग क्रिकेट। रिएक्शन 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 दोस्तों क्या रिएक्शन था, पाकिस्तान की मीडिया बौखला गई है, मतलब इस तरीके से बौखला गई है कि यार ये बाहर हो चुके हैं वर्ल्ड कप से, लगभग बाहर हो चुके हैं। और जो बाहर होने का कारण था केशव महाराज जो कि एक हिंदू क्रिकेटर हैं, अब इनों की वजह से बाहर हुए हैं तो पाकिस्तानी मीडिया भाई नींद नहीं आई। पाकिस्तान के कुछ चैनल ऐसे थे जिसमें कि इस तरीके से कुछ पब्लिक तो इस तरीके से महसूस कर रही जैसे वह बेहोशी हो गए हों, मतलब इतने ज़्यादा दुखी हो गए थे पाकिस्तान वाले कल की हार से। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बात बता दूँ, ये बाबर आजम वही है जिसने टीम से बोला था कि हाँ मैं ग्राउंड्स में जवाब दूंगा, तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ जवाब दीजिए, आप कौन सा जवाब देना था आपको, आप ग्राउंड्स आ गया है ग्राउंड्स पे जवाब दीजिए, क्योंकि जब आपसे लोगों ने टीम के अंदर खामियां पूछी थी तो आपने फट से बोल दिया कि मेरी टीम में कोई खामी नहीं है, जो मैं जवाब दूंगा ग्राउंड्स पर दूंगा, तो अब इन पर जवाब देना बन नहीं रहा, उनकी कप्तानी भी लगभग जा ही चुकी है। दोस्तों फिलहाल में तो यही चल रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।